आइए, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है, रेट एट विच ए ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट्स अब्जॉर्प्शन। दिस स्टेप इज नोन एज। आप जानते हैं कि एक ड्रग को जब हम लेंगे तो उसके सिस्टमिक अवेलेबिलिटी में वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। आगे के क्वेश्चन में इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रो फोबिक ड्रग। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होगा, हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब जो ड्रग वाटर इनसोलेबल हैं, जिनको वाटर से फोबिया है, डर लगता है, तो ये वाटर इनसोलेबल हैं। और वाटर इनसोलेबल हैं इसका साफ मतलब है ड्रग क्या है, लिपिड सोलेबल है। और आपको पता हो जो ड्रग लिपिड सोलेबल होती हैं उनका परमिएशन जो है वो गुड होता है, लेकिन लिपिड सोलेबल ड्रग का डिजोल्यूशन क्या है, स्लो होगा। इसलिए हाइड्रोफोबिक ड्रग जो हैं इनकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी में जो रेट डिटरमिनिंग या रेट लिमिटिंग जो स्टेप है वो इनका क्या है, डिजोल्यूशन जो है वो होगा। तो राइट आंसर इनका ए हुआ। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप फॉर सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग फ्रॉम टेबलेट डोजेस फॉर्म। यानी एक हाइड्रोफिलिक का मतलब ये हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक का मतलब वाटर लविंग, यानी ये एक वाटर सोलेबल ड्रग है और उसको हमने टेबलेट डोजेस फॉर्म के अंदर ये फॉर्मुलेशन उसकी बनाई है। तो इस हाइड्रोफिलिक ड्रग का टेबलेट डोजेस फॉर्म से इसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी में रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होगी। तो इसको आप देखिए, इस टेबलेट को मान लीजिए आपने ओरल रूट से लिया है तो ये आपके स्टमक में पहुँचेगी, और स्टमक में पहुँचने के बाद में पहली स्टेप जो इस टेबलेट की यहाँ होगी इसका होगा डिसइंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये ग्रेन्यूल्स के अंदर ब्रेक होगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगी डी एग्रीगेशन। ये ग्रेन्यूल जो हैं वो फाइन पार्टिकल में ब्रेक होंगे, और डी एग्रीगेशन के बाद में इसका होगा डिजोल्यूशन। ये आपके इंटेस्टाइन और जीआईटी सिस्टम में सॉल्यूशन फॉर्म में आएगी। डिजोल्यूशन के बाद में ये आपके इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक वाल को क्रॉस करेगी और ब्लड में पहुंचेगी। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज परमिएशन। नेक्स्ट इसका क्या होगा, परमिएशन होगा, और इस तरह से ये ड्रग जो है आपके ब्लड में पहुंचती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रग हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर सोलेबल है, तो इसके डिजोल्यूशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको पता है जो ड्रग वाटर सोलेबल होती हैं वो लिपिड सोलेबल कम होती हैं, और कम होती हैं तो उनका परमिएशन इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्या होगा, स्लो होगा। और इस हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए ये परमिएशन जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है। आप कहोगे कि सर डिसइंटीग्रेशन और डी एग्रीगेशन क्यों नहीं हो सकता, तो इसको हम मैनुअली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टेबलेट आप बनाएंगे तो इस टेबलेट के अंदर आप डिसइंटीग्रेटिंग जो एजेंट है उसकी अमाउंट या उसकी नेचर चेंज करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन डी एग्रीगेशन जो है इसको फास्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको स्पेशल स्पेसिफाई किया हुआ है कि हाइड्रोफिलिक ड्रग का सिस्टमिक अवेलेबिलिटी में रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो लिपिड सोलेबल कम है तो ये परमिएशन जो है वो होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग। अब यदि मैं एक ड्रग को ओरल रूट से लेता हूँ तो वो स्टमक में और फिर वो ड्रग इंटेस्टाइन में पहुँचती है, और फिर आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में ड्रग का डिजोल्यूशन के बाद में वो ड्रग यहाँ से अब्जोर होती है, तो ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अंदर का एरिया ल्यूमन है, ये आपकी इंटेस्टाइन की वाल है, और ये आपका पोर्टल वेन। और अब्जोर होने के बाद ये लीवर को आती है मोस्टली ड्रग,
और उसके बाद में ये ड्रग आगे जाती है, और जैसे ही ये आगे क्रॉस कर जाती है इसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी जो है वो हो जाती है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री सिस्टमिक मेटाबोलिज्म, तो वो एंजाइम जो आपके इंटेस्टाइन से लेके और लीवर तक ड्रग के मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जो ल्यूमन है अंदर का एरिया, तो ल्यूमनल एंजाइम ड्रग का मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन कर सकते हैं, गट वाल एंजाइम ये कर सकते हैं, जो पोर्टल वेन है इसकी वाल में भी एंजाइम होते हैं और ड्रग जब मूवमेंट करती है तो वो भी ड्रग का मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन कर सकते हैं, और लीवर तो आप जानते हैं ये मैन मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो यानी हेपाटिक एंजाइम। तो यहाँ से आपने कहा ल्यूमिनल, गट वाल, पोर्टल वेन एंड हेपाटिक एंजाइम ड्रग के प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, डी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है विच ऑफ द गिवन ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी इज इन्हांस्ड बाई माइक्रोनाइजेशन। आपको पता है कि मान लीजिए मैं ड्रग के इस साइज़ के पार्टिकल या ग्रेन्यूल्स लेके यदि मैं इसकी टेबलेट बनाता हूँ तो ये टेबलेट बन गई, और ये जो ड्रग है वापस जब इसको हम ओरल रूट से लेंगे और हमारे जीआईटी सिस्टम में जाएगी तो फिर से इस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन होगा और इन्हीं पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स के अंदर ब्रेक होगी और इनका अपना एक सरफेस एरिया है। लेकिन यदि मैं इन पार्टिकल्स की जगह यदि मैं छोटे छोटे इन ग्रेन्यूल्स को मैं फाइन पार्टिकल के अंदर ब्रेक कर देता हूँ और इन फाइन पार्टिकल से मैं टेबलेट बनाता हूँ, तो ये टेबलेट डिसइंटीग्रेट होने के बाद में इन फाइन पार्टिकल से बनी है तो इसका डिसइंटीग्रेशन इन फाइन पार्टिकल में ही होगा। और आप जानते हैं कि ये एक हमारे पास में एक बड़ा पार्टिकल है और जैसे ही इसको माइक्रोनाइज करेंगे तो इसमें से हज़ारों छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे और इस एक पार्टिकल का अपना सरफेस एरिया, लेकिन माइक्रोनाइज जो इसके पार्टिकल होंगे उनका सरफेस एरिया इस बिगर साइज के पार्टिकल से माइक्रो साइज के पार्टिकल का सरफेस एरिया रिमार्केबली हाई होगा, और हाई होगा तो इसका कॉन्टेक्ट डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में बढ़ जाएगा, डिजोल्यूशन रेट बढ़ेगी तो अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी कैन बी इन्हांस, कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनका माइक्रोनाइजेशन से बायो अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, तो ये एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। डिजोक्सिन है, ग्रेसियोफेलविन है, स्पायरोलेक्टोन, और एक ड्रग आप और ऐड कर लीजिए एस्प्रिन। ये वो ड्रग हैं जिनके माइक्रोनाइज पार्टिकल से यदि आप इनकी टेबलेट बनाएंगे तो इनका डिजोल्यूशन इन्हांस होगा और इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और याद कर लें, यदि ड्रग हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोलेबल है, तो माइक्रोनाइजेशन से उसका डिजोल्यूशन और उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। और यही क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, माइक्रोनाइजेशन डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जस्ट अपोजिट पूछा है कि माइक्रोनाइजेशन डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ। तो मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन में समझाया कि यदि हम पार्टिकल को माइक्रोनाइज करते हैं तो इनका सरफेस एरिया बढ़ता है, और ड्रग यदि क्या है वाटर सोलेबल है यानी हाइड्रोफिलिक है तो इनका इफेक्टिव सरफेस एरिया जो है वो भी बढ़ेगा माइक्रोनाइज करने पे, और हाइड्रोफिलिक ड्रग को माइक्रोनाइज करने पे उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है माइक्रोनाइजेशन डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ, यदि ये कहता कि माइक्रोनाइजेशन इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ तब तो आपका आंसर हाइड्रोफिलिक ड्रग होता, वाटर सोलेबल ड्रग होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है माइक्रोनाइजेशन डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, तो इसका राइट आंसर सी होगा, हाइड्रोफोबिक ड्रग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होगा जो वाटर इनसोलेबल हैं
यानी इसका दूसरा मतलब है लिपिड सोलेबल है, और कोई लिपिड सोलेबल ड्रग को माइक्रोनाइज करेंगे तो माइक्रोनाइज पार्टिकल का सरफेस एरिया और सरफेस प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो इनकी लिपिड सोलबिलिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन वाटर सोलबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जो ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक हैं तो पहले से ही कम है, और इनकी बायो अवेलेबिलिटी माइक्रोनाइजेशन से इंक्रीज होने की जगह क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, सी। अब इसी क्वेश्चन को और अच्छी तरह के तरीके से आपको और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए, माइक्रोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग या लिपिड सोलेबल बोल दीजिए, माइक्रोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग रिजल्ट इन डिक्रीज देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड डिजोल्यूशन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। यानी मैं एक हाइड्रोफोबिक ड्रग का माइक्रोनाइजेशन करता हूं तो उसका एब्सोल्यूट सरफेस एरिया तो बढ़ता है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहूँ ये एक पार्टिकल है और इसको माइक्रोनाइज करके ऐसे हज़ारों पार्टिकल जो है ये बन गए, तो इस एक पार्टिकल कंपैरिजन में इसके माइक्रोनाइजेशन से बने ये 1000 पार्टिकल हैं, इनका जो एब्सोल्यूट सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया वो तो बढ़ेगा, लेकिन इन पार्टिकल का डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में जो कॉन्टेक्ट होगा, और जितना कॉन्टेक्ट होगा उसी के हिसाब से इनका डिजोल्यूशन होगा, वो इनका क्या है, कम होगा। क्यों? क्योंकि ड्रग आपकी हाइड्रोफोबिक है और माइक्रोनाइजेशन करने से उसके हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर जो हैं वो बढ़ेंगे, और इससे इसका डिजोल्यूशन क्या है, स्लो होगा। अब यहाँ इस चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हाइड्रोफोबिक सरफेस ऑफ द ड्रग एब्सॉर्ब एयर एंड डिक्रीज वेटेबिलिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मैं माइक्रोनाइज करूँगा तो इस ड्रग के माइक्रोनाइज पार्टिकल की हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल जो एयर है उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे, और इनका डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में कॉन्टेक्ट और इनकी जो वेटेबिलिटी है, डिजोल्यूशन रेट है, वो क्या है, कम हो जाएगी। दूसरा, माइक्रोनाइजेशन इम्पार्ट सरफेस चार्जेज, जैसे मैं इनको माइक्रोनाइज करता हूँ तो इन माइक्रोनाइज पार्टिकल की सरफेस पे कोई चार्ज होगा, और दैट प्रिवेंट इंटीमेट कॉन्टेक्ट ऑफ ड्रग पार्टिकल विथ डिजोल्यूशन मीडियम, और इस चार्ज की वजह से चार्ज पार्टिकल डिजोल्यूशन मीडिया के कॉन्टेक्ट में कम आएंगे। इसके बाद पार्टिकल रीएग्रीगेट, ये जो फाइन पार्टिकल हैं इनकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये पार्टिकल रीएग्रीगेट होंगे, तो पार्टिकल रीएग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल ड्यू टू देयर हाई सरफेस फ्री एनर्जी, एंड देयर फोर ईदर या तो ये फ्लोट करेंगे जो डिजोल्यूशन मीडिया है उसके ऊपर, या तो ऐसे तैरेंगे फ्लोट करेंगे, और या नीचे क्या है, शेडिमेंट इन द बॉटम ऑफ द डिजोल्यूशन मीडियम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या है, डी। पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि यदि आप हाइड्रोफोबिक ड्रग को माइक्रोनाइज करेंगे तो उनका डिजोल्यूशन क्या है, कम होगा, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, और उसका कारण है कि उनका इफेक्टिव सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। हालांकि याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया माइक्रोनाइजेशन से, जिसको एब्सोल्यूट सरफेस एरिया बोलते हैं, वो बढ़ता है, लेकिन जो माइक्रोनाइज पार्टिकल की सरफेस एक्चुअली डिजोल्यूशन मीडिया के कॉन्टेक्ट में है उसको इफेक्टिव सरफेस एरिया बोलते हैं। ये इफेक्टिव सरफेस एरिया हाइड्रोफोबिक ड्रग के माइक्रोनाइजेशन करने पे कम होता है, और इसको मैंने जस्टिफाई किया है ये ऑप्शन ए बी सी, ये कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो डी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इसमें आपसे पूछा है माइक्रोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग डिक्रीज देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है, देयर फोर डिक्रीज देयर डिजोल्यूशन, ये भी सही है, देयर इफेक्टिव सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज बाय द यूज ऑफ। तो आप जानते हैं हाइड्रोफोबिक ड्रग का माइक्रोनाइजेशन करने से इनकी सरफेस के ऊपर या तो चार्ज आ जाते हैं या इन्वायरमेंटल एयर को एब्सॉर्ब कर लेता है ऐसे केस में, या ये री एग्रीगेट होकर वापस से बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, और इनका इफेक्टिव सरफेस एरिया और डिजोल्यूशन कम होता है। तो इनके इफेक्टिव सरफेस एरिया या इनके डिजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट को ही सर्फेक्टेंट बोलते हैं, और जिन सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू कितना होता है, 7 से 9 के बीच में होता है,
उनको हम क्या बोलते हैं, वेटिंग एजेंट। तो यहाँ ऑप्शन में या तो आपको वेटिंग एजेंट आता, क्योंकि वेटिंग एजेंट डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में पार्टिकल्स की कॉन्टेक्ट बढ़ा के उनके डिजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। तो वेटिंग एजेंट और वेटिंग एजेंट एक टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं। तो सर्फेक्टेंट को यूज़ करके हम जो हाइड्रोफोबिक ड्रग हैं उनके डिजोल्यूशन को और उनकी बायो अवेलेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आपसे पूछा है ओरल बायो अवेलेबिलिटी फॉर ओरल फॉर्मुलेशन व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्वस सॉल्युबिलिटी टू अवॉइड बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। यानी कोई भी ओरल फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो ड्रग है उसकी मिनिमम वाटर सॉल्युबिलिटी एक्वस सॉल्युबिलिटी कितनी होनी चाहिए टू अवॉइड बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम। वैसे इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं 1% है। यदि आप कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं और सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या है, एक ग्राम ड्रग को डिजोल्व करने के लिए यदि आपको लेस देन 1 ml सॉल्वेंट चाहिए तो इस सॉल्युबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वेरी सोलेबल। और यदि इस 1 ग्राम सोल्यूट या ड्रग को डिजोल्व करने के लिए आपको 1 से 10 ml सॉल्वेंट चाहिए तो इसको बोलते हैं दैट इज फ्रीली सोलेबल। और 10 से 30 ml सॉल्वेंट आपको चाहिए तो इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो सोलेबल में आती है। और यदि आपको 30 से 100 ml यानी 1 ग्राम को डिजोल्व करने के लिए 30 to 100 ml सॉल्वेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो इसको हम क्या बोलते को, ये आ गया आपका वेरी सोलेबल, फ्रीली सोलेबल, सोलेबल और ये स्प्रिंगली सोलेबल। और इससे नीचे जाएंगे तो फिर तो आएगा स्लाइटली, वेरी स्लाइटली, इस तरह से। तो यहाँ देखो 1 ग्राम को डिजोल्व करने के लिए आपको 100 ml के आसपास सॉल्वेंट चाहिए तो ये स्प्रिंगली सोलेबल में आता है। और 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1 ग्राम को आपने कितने में डिजोल्व कर रखा है, 100 ml में। तो आपके ड्रग की सॉल्युबिलिटी 1 ग्राम को डिजोल्व करने में 100 ml है तो ये एक तरह से स्प्रिंगली सोलेबल है। इससे कम सॉल्युबिलिटी हुई तो ये बायो अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। इसमें आपसे पूछा है विच वन ऑफ द गिवन इज नॉट ए फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। एक ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कलेक्टिवली फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं जो उस ड्रग की कई उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके ड्यूरेशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और यहाँ आपसे पूछे कि नॉट ए फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, तो देखो एक ड्रग की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, इसके अलावा उसका जो डेंसिटी है वो, कॉम्प्रेसिबिलिटी है, हाइग्रोस्कोपिसिटी है, कॉम्प्लेक्सेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, उसकी आपके बॉडी के प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग है, सॉल्युबिलिटी है और पार्टीशन कोफिशिएंट है, ड्रग का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, ड्रग की स्टेबिलिटी है, ये सब ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ये जो ऑप्शन डी है डिसइंटीग्रेशन टाइम, ये डिसइंटीग्रेशन टाइम एक ड्रग का नहीं है, ये एक डोजेज फॉर्म है। जैसे अलग अलग जो टेबलेट होती हैं उनका अलग अलग डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, तो ये ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं आता। इसके लिए बहुत से कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी, नॉट ए फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। और याद करना हो तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, हार्डनेस, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, ये सब ड्रग की क्या है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, क्लास 3 ड्रग कैरेक्टरिस्टिक एज पर बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम है यानी बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी भी ड्रग हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज के अंदर क्या है, डिवाइड किया है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर सॉल्युबिलिटी एंड देयर परमिएबिलिटी, यानी उनकी वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने BCS के अंदर सभी ड्रग को मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये आपसे पूछ रहे हैं क्लास 3 BCS ड्रग कौन सी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 11 का, वो आपका सी होगा। क्लास सी के अंदर, क्लास थ्री में या क्लास सी बोल सकते हैं, उसमें वो ड्रग आएंगी जिनकी हाई वाटर सॉल्युबिलिटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है। और यहाँ से मैं आपको याद भी करा दूँ, इसमें देखो ये क्लास वन ड्रग हैं, बी सी एस क्लास वन, ऑप्शन बी जो है ये क्लास टू हैं, ऑप्शन थ्री जो है ये क्लास थ्री हैं, और ऑप्शन फोर जो है ये क्लास फोर हैं। और इनको याद करने का तरीका देखो, हाई लो हाई लो, हाई लो हाई लो, और फिर हाई हाई लो लो, इस कॉन्सेप्ट से आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ ए ड्रग हैज नो इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसमें नहीं होती है, ड्रग की जो अमोर्फस फॉर्म है ये, इसके अंदर कोई भी इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होती है। अमोर्फस जो सॉलिड हैं इनको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं, और इनकी एक्वस सॉलिबिलिटी भी, वाटर सॉलिबिलिटी भी हाईएस्ट होती है दूसरी सॉलिड स्टेट के कंपेरिजन। देन क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड एक्सपोज टू डिजोल्यूशन मीडियम इज नोन एज। तो देखो जैसे मैं कहूँ ये एक सॉलिड है, और यदि इसका टोटल सरफेस एरिया मैं कैलकुलेट करूँ तो इसके इस टोटल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। इसको हम क्या बोलेंगे, इस टोटल सरफेस एरिया को आप बोलेंगे एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। लेकिन इस पार्टिकल को मैं किसी डिजोल्यूशन मीडिया के अंदर ऐड करता हूं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी इसकी सरफेस डिजोल्यूशन मीडिया के कांटेक्ट में आए। यदि इसका इतना हिस्सा डिजोल्यूशन मीडिया के कांटेक्ट में है तो जितना ये डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में इसकी सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस एरिया को आप क्या बोलेंगे, इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एक्सपोज टू बोल सकते हैं, या इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ डिजोल्यूशन मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि ड्रग को माइक्रोनाइज करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट बोलिए या टोटल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही है, ये हमेशा इंक्रीज होता है। लेकिन यदि एक्सेसिवली उसको माइक्रोनाइज करेंगे तो ये जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो रिएक्टिव पार्टिकल बन जाएंगे, या तो उनके सरफेस पे चार्ज आएगा या इन्वायरमेंटल एयर को अट्सोर करेंगे और इनका डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में जो सरफेस एरिया है वो घट जाएगा। यानी एक्सेसिव माइक्रोनाइजेशन की वजह से ड्रग का जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है वो क्या है, वो कम हो सकता है, और उससे उसका डिजोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग इज इंक्रीज बाय। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक ड्रग हैं वो डिजोल्यूशन मीडिया के साथ में जो टोटल सरफेस एरिया डिजोल्यूशन मीडिया के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, और इसका ये जो आपका डिजोल्यूशन मीडिया के साथ इसका कॉन्टेक्ट इंक्रीज करने के लिए हमें क्या लेना होगा, या तो हम वेटिंग एजेंट यूज करेंगे और या फिर हाइड्रोफिलिक डाइल्युएंट। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोलेबल डाइल्युएंट लाइक पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल पाइरोडीन, डेक्सट्रोस। हाइड्रोफिलिक डाइल्युएंट काम में लेंगे या वेटिंग एजेंट आप यूज करेंगे तो इसका जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है वो क्या है, कौन सी ड्रग का, हाइड्रोफोबिक ड्रग का, इंक्रीज हो जाएगा और इनका डिजोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। दूसरा मैं बता दूं, यदि मैं इस ड्रग की टेबलेट बनाता हूं और यदि टेबलेट के अंदर मुझे लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट होती है और लुब्रिकेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट होते हैं या स्टीरिक एसिड को काम में लेते हैं, और लुब्रिकेंट आपको पता ऑयली सब्सटेंस है और ऑयली सब्सटेंस हमेशा डिजोल्यूशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो यदि आपकी ड्रग हाइड्रोफोबिक है, वाटर इनसोलेबल, और टेबलेट बनाते वक्त आपने लुब्रिकेंट को यूज़ किया है तो इसका डिजोल्यूशन जो है वो और भी क्या है, कम होगा, क्योंकि लुब्रिकेंट खुद ऑयली होते हैं, ड्रग भी ऑयली है, तो इसका डिजोल्यूशन रेट को और इवन इसकी बायो अवेलेबिलिटी को क्या है, कम कर देगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज। तो यहाँ ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है, ड्रग सॉल्युबिलिटी, ये ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको बताया ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी है, ड्रग का पार्टिशन कोफिशियंट है, ड्रग का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, उसकी क्रिस्टल शेप है, उसकी पार्टिकल साइज है, उसका हाइग्रोस्कोपिक करेक्टर है, डेंसिटी,
कॉम्प्रेसिबिलिटी, हार्डनेस, ये सब उसका कॉम्प्लेक्सेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, आइसोमेरिज्म या आइसोस्टीरिज्म, ये सब ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, बी, ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग स्टेबिलिटी, ये सब ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हैं। और लास्ट में आपके क्वेश्चन का आंसर, तो इसी के साथ ही मैं आपको कहूँगा धन्यवाद, जय हिंद।